तो हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। आई एम एन एमबीबीएस स्टूडेंट और आज हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, आज हम इसे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी से रहेगा सब कुछ। तो सबसे पहले, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या तो लाइव ऑर्गेनिज्म यूज करने हैं या एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स यूज करने हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। मतलब वो प्रोडक्ट और प्रोसेसेस बनाने के लिए जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। इन दिस सेंस, मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन, विच आर ऑल माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस, कुड ऑल्सो बी थॉट एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। समझ गए? इसलिए इन सारे प्रोडक्ट्स को भी एक काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का आउटकम माना जा सकता है। हाउएवर, इट इज यूज्ड इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे। हर जगह यूज नहीं करते, रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज करते हैं। टू रेफर टू सच ऑफ दीज प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू अचीव सेम ऑन अ लार्जर स्केल। ठीक है, फर्दर मेनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। काफी सारे बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह भी इसके अंदर यूज होते हैं, जिसके अंदर एडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को भी हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, डीएनए की वैक्सीन बना देना, या फिर सिंथेसाइजिंग अ जीन, इन सबको हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, ये नीट के परस्पेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो तुमसे पूछा जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन किसने दी, तो EFB ने दी। EFB मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, दैट एनकम्पासेस, मतलब इसको इंक्लूड करना, बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। तो डेफिनेशन क्या दी थी EFB ने, ऐसी कौन सी डेफिनेशन दी थी जो मॉडर्न और प्रेजेंट दोनों को इनकॉर्पोरेट लेके चले। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस। तो नेचुरल साइंसेस या फिर ऑर्गेनिजम्स, उनके पार्ट्स या फिर पूरा, ठीक है, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स भी यूज कर सकते थे, एनालॉगस, एनालॉग याद रखना, इंटीग्रेट करना इन सबको फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इनको हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे इनको, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन किसने दी, EFB ने। और आगे चलते हैं, अब यहां पे आपको दिखेगा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अमंग मेनी द टू कोर प्रिंसिपल्स दैट एनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर, तो दो कोर टेक्निक्स, ओके, टू कोर टेक्निक्स जिन्होंने अनेबल किया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को, तो कौन सी है, पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आपको दिख रही है। दूसरी है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एंड कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस एंड एनवायरमेंट। ठीक है, जो आपको सेकेंड पेज पे यहाँ पे दिख जाएगा। अब सबसे पहले हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं। टेक्निक टू ऑल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA RNA। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करता है, DNA और RNA को ऑल्टर करने में हेल्पफुल होता है। अब सेकेंड पॉइंट में जब आएंगे, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप जीनोटिपिक वेरिएशन लाओगे तो फिनोटाइप भी अपने आप चेंज होने लगेगा। RNA और DNA को चेंज करने से फिनोटाइप चेंज हो सकता है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू अनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स वगैरह। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि स्टेराइल एनवायरमेंट में, क्यों स्टेराइल एनवायरमेंट बनाना है, सबसे पहली बात तो यही है। तो स्टेराइल एनवायरमेंट आपको इसलिए बनाना है ताकि आप इंश्योर कर सको कि जिसका आप प्रोलिफरेशन चाह रहे हो सिर्फ उसी का हो, फालतू के ऑर्गेनिजम्स प्रोलिफरेट ना कर जाए वहां के। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट क्या है, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल से क्यों बेटर होता है। तो आपने पता, आपको पता है कि इससे वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है, वेरिएशंस आएंगे तो एवोल्यूशन में हेल्प करेगा। ऑफस्प्रिंग्स, अगर पेरेंट्स के आइडेंटिकल क्लोन्स नहीं है तो बेटर कंडीशन या डिफिकल्ट कंडीशन में भी वो प्रॉस्पर कर पाएंगे।
द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन, जो हमने डिस्कस कर लिया, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, ठीक है, मे बी बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन, ये चीज हमने अभी देख ली थी. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिजर्व रहती है, जैसी पहले थी वैसी ऑफस्प्रिंग में रहेगी. ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेसेस used in plants and animals very often lead to inclusion and multiplication of undesired genes. तो अगर हम traditional तरीके से चले hybridization के, तो उससे undesired genes भी include हो जाती है कभी कभार. Undesired genes मतलब, suppose हमने एक पौधा लिया जिसमें pink flowers होते हैं, लेकिन pink flowers के साथ उसके पत्ते बहुत बड़े हैं. अब हम चाहते हैं उससे हाइब्रिडाइजेशन करके हम नया पौधा बनाएं जिसमें पिंक फ्लावर्स तो हो लेकिन पत्ते बड़े ना हो. अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो पिंक फ्लावर्स हो जाएंगे लेकिन बड़े पत्ते भी आ जाएंगे. तो बड़ा पत्ता इस समय क्या है? अनडिजायरेबल है, ठीक है. तो इंक्लूजन मतलब इंक्लूड हो जाना, तो बड़ा पत्ता इंक्लूड हो गया. एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायर्ड जीन्स, अनडिजायर्ड जीन्स कौन सी? बड़े पत्ते की. इस तरीके से तुम एग्जाम्पल याद रख सकते हो. अलॉन्ग विद डिजायर्ड जीन्स, टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर ओवरकम दिस लिमिटेशन. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना हमने सीखा, जीन क्लोनिंग सीखी, जीन ट्रांसफर सीखा, जिसकी मदद से हम इसको इससे बच सकते हैं, ठीक है, ओवरकम दिस लिमिटेशन. और आगे चलते हैं. डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म? अगर आप एक डीएनए को किसी और एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दोगे तो उसका क्या होगा, ये वो पूछ रहे हैं. मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, मोस्ट प्रोबेबली मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम ऑफ रेसिपिएंट इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद होस्ट डीएनए. अगर उसको इंटीग्रेट कर पाए आप, मतलब जीनोम जिसके अंदर वो डाला उसके जीनोम में अगर उसे इंटीग्रेट कर पाए तो इजिली वो ऑस्प्रिंग्स में जा सकता है, वरना वो नहीं जा पाएगा, ठीक है. दिस इज बिकॉज एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स का पार्ट बन जाएगा. आपने देखा है कि क्रोमोसोम्स ही आगे जाते हैं. विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लीकेट, क्रोमोसोम्स के पास रेप्लीकेशन की एबिलिटी होती है. इन अ क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, ओरी. एक स्पेसिफिक डीएनए क्या है? स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है. तो ओरी को आप कह सकते हो इट इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लीकेशन. तो ओरी या फिर ओरिजिन से ही, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन का जो पॉइंट है वहीं से इनिशिएशन होती है रेप्लीकेशन की, रेप्लीकेशन स्टार्ट होता है. देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिज्म इट नीड्स टू बी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. तभी अगर आप चाहते हो कि बाहर का कोई ऑर्गेनिज्म का डीएनए अंदर किसी और ऑर्गेनिज्म के रेप्लीकेट कर सके, प्रोलीफरेट कर सके, तो उसको आपको क्रोमोसोम का पार्ट बनाना ही पड़ेगा. ये बात आपको याद रखनी है. विच हैज स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन होनी चाहिए. एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लीकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ. तभी वो रेप्लीकेट कर पाएगा, मल्टीप्लाई कर पाएगा, ठीक है. और आगे चलते हैं. Let us now focus on first instance of construction of artificial recombinant DNA molecule. तो artificially recombinant DNA molecule बनाने का जो पहला step था उसके बारे में हम बात करेंगे. First instance जो था. Construction of first recombinant DNA emerged from possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid autonomously replicating circular extrachromosomal DNA. ये बात याद रखनी है आपको. प्लास्मिड क्या होता है बहुत बार पूछा गया है, ठीक है. तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है ये. अगेन बहुत बार आपसे पूछेंगे व्हाट इज अ प्लास्मिड. तो प्लास्मिड होता है ऑटोनॉमसली रेप्लीकेटिंग, अपने आप रेप्लीकेट करता है सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम्स का पार्ट नहीं, उसके अलावा यह पाया जाता है. डीएनए क्या कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है. नेटिव प्लास्मिड में यह देखा गया. प्लास्मिड को प्लास्टिड से कंपेयर मत कर लेना, ठीक है. प्लास्टिड को प्लास्मिड से कंफ्यूज मत कर लेना तुम. अब प्लास्टिड कहाँ देखे थे तुमने? प्लास्टिड्स हमने पौधों में देखे थे, है ना, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, वो सब वो अलग चीज है. सेल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पहला ये था. क्या था? सेल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है, सेल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने काम किया था. स्टैनली कोहेन हर्बर्ट बोयर ने अकम्प्लिश किया था 1972 में बाय आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन.
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो थी उसको आइसोलेट कर दिया था उन्होंने बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिस जीन से आ रही थी प्लाज्मिड के अंदर उसी को काट के उन्होंने बाहर निकाल लिया था। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। हम कैसे कट कर पाए? मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से कट कर पाए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। मॉलिक्यूलर सीजर्स को और क्या कहते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक्ड विद प्लाज्मिड डीएनए। तो कट पीस ऑफ डीएनए किसके साथ लिंक कराया गया? प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कराया गया। दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर्स टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। तो प्लाज्मिड कैसे काम करने लगा? वेक्टर की तरह, जो यहां से उठा के वहां ट्रांसफर कर सकता है। यू प्रोबेबली नो द मॉस्किटो एक्ट्स एज इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर मलेरियल पैरासाइट इनटू बॉडी। पता है हमें कि मॉस्किटो एक वेक्टर की तरह काम करता है। इसी तरीके से प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। समझ गए, इसी तरीके से प्लाज्मिड को भी हम यूज कर सकते हैं। लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज चिपका देता है, याद रखो डीएनए लाइगेज चिपका देता है और कुछ काम नहीं करता। डीएनए लाइगेज चिपका देता है डीएनए लाइगेज चिपका देता है विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स जॉइंट्स देयर एंड्स। ठीक है, मेक्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। सर्कुलर क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड की बात हो रही है। और आगे चलते हैं। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, ठीक है, अ बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। बहुत सारे वर्ड्स यहाँ यूज हुए, कुछ नहीं भूलना है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज हुआ है, डीएनए लाइगेज का यूज हुआ है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज हुआ है। ठीक है, तो इनको कंफ्यूज नहीं करना है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसको पॉलीमराइज करने में हेल्प करेगा, नाम से ही पता चलना चाहिए, कॉपीज बनाने में हेल्प करेगा। पॉलीमराइज शब्द और कहां सुना है तुमने? पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वॉज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसे बोलने लग गए थे। क्लोनिंग क्यों? क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, यू कैन हेंस इन्फर देयर आर थ्री बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये नीट में पूछेंगे, ठीक है, सीक्वेंस पूछ सकते हैं, एसर्शन रीजन पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये बात याद रखनी है, तीन बेसिक स्टेप्स। थ्री बेसिक स्टेप क्या है? पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए डिजायर्ड जीन्स। पहले डीएनए ढूंढो जिसके अंदर डिजायर्ड जीन्स हो, जिससे तुम्हें काम करना है। सेकंड स्टेप इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, फिर उस डीएनए को होस्ट के अंदर डालो किसी तरह वेक्टर वगैरह से। तीसरा स्टेप मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट, ट्रांसफर ऑफ डीएनए प्रोजेनी। एक बार डीएनए होस्ट में चला गया तो वहां अंदर प्रोलिफरेट करेगा, पॉलीमराइज करेगा और प्रोजेनी में जाएगा। तुम्हें इंश्योर करना है कि मेंटेनेंस बनी रहे उसकी, मर ना जाए उसके अंदर जाके, डिग्रेड ना हो जाए। ठीक है, अब आते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो जब आप टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आ गए, तो सबसे पहले नाउ वी नो फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव की टूल्स। अगर हमारे पास टूल्स होंगे तभी ये हो सकता है। तो कौन से टूल्स बहुत जरूरी हैं? व्हाट आर द की टूल्स? ये एक ऐसी चीज है जो नीट में वो पूछते हैं, की टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो उसे काटेंगे, जिसे सीजर्स बोला गया था। उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम, जो उसे पॉलीमराइज कराएंगे, जो उसकी क्लोनिंग करा के और बड़ा करेंगे उसे। लाइगेज, जो चिपका देंगे। वेक्टर्स, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर वो प्रोलिफरेट करेगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल्स। अब इनको डिटेल में पढ़ो। सबसे पहले आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में। 1963 में टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वॉज आइसोलेटेड। तो बैक्टीरियोफेज ई कोलाई में ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो किस वजह से नहीं कर पा रहा था, वो इन्होंने आइसोलेट किया। दो एंजाइम्स थे, ठीक है। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए। एक क्या कर रहा था? मिथाइल ग्रुप को एड कर दे रहा था, ठीक है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दे रहा था डीएनए में, वाइल दी अदर कट डीएनए।
तो एक एंजाइम मिथाइल ग्रुप्स को ऐड कर रहा था, दूसरा एंजाइम डीएनए को कट कर रहा था, ये बात याद रखो। लेटर वॉज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो दूसरे वाले को हमने बोला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बात याद रखना, ठीक है। तो एक काम क्या कर रहा था, मिथाइल एंड्स लगा रहा था, दूसरा डीएनए को काट रहा था, इसकी वजह से बैक्टीरियोफेज ईकोलाई पे हमला नहीं कर पाया। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद टू, ठीक है, हिंद टू जो था वो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, हुज फंक्शनिंग डिपेंडेड ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years लेटर, ठीक है। तो हो सकता है ये पूछ ले कब हुआ, तो उससे 5 साल बाद हुआ। इट वॉज फाउंड दैट हिंद टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 base pairs, तो हिंद टू 6 base pairs, ठीक है, हिंद टू 6 base pairs की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और उसके हिसाब से उसे काटता था। द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, तो हिंद टू की रिकॉग्निशन सीक्वेंस तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। हिंद टू बहुत स्पेसिफिक तरीके से काटता था, फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस था और 5 साल बाद, मतलब 1963 के 5 साल बाद ये पता चला था इसके बारे में हमें। बिसाइड हिंद टू टूडे वी नो मोर देन 900 एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो ये भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं कितने एंजाइम्स को हम जानते हैं, तो वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स, तो 900 एंजाइम्स, ठीक है, 900 एंजाइम्स फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स, ये बात याद रखो। ईच विच रिकोगनाइज डिफरेंट रिकोगनीशन सीक्वेंस, सबकी रिकोगनीशन सीक्वेंस अलग अलग होती है, एनसीईआरटी से ही रहेगा ये पूरा चैप्टर, ठीक है। द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग दीज एंजाइम्स इन इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम कम्स फ्रॉम जीनस, सेकेंड टू लेटर्स कम फ्रॉम स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड, तो पहला किससे आएगा, नाम कैसे देते हो इसे, तो पहला आएगा, फर्स्ट लेटर कहां से आएगा, नेम कम्स फ्रॉम जीनस, पहला आएगा जीनस से, सेकेंड टू लेटर्स स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड, प्रोकैरियोटिक सेल की जिस स्पीशीज से उन्हें आइसोलेट किया गया वहां से आएगा। ईको आर वन कम्स फ्रॉम ई कोलाई आर वाई 13 इन ईको आर आई या ईको आर वन, द लेटर आर इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ, लेटर आर कहां से डिराइव किया हो गया होगा, स्ट्रेन के नाम से, ठीक है, लेटर आर डिराइव किया है स्ट्रेन के नाम से, ओके, लेटर आर डिराइव किया है स्ट्रेन के नाम से। और आगे चलते हैं, रोमन नंबर्स फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, रोमन नंबर क्या इंडिकेट करेंगे, अगेन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रोमन नंबर क्या इंडिकेट करेंगे, नेम्स इंडिकेट ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड, ऑर्डर, ठीक है, तो रोमन नंबर्स ऑर्डर बताते हैं। अब और आगे चलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसेस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक बड़ी क्लास के को बिलोंग करते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियसेस। देयर आर टू काइंड्स, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियसेस दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, बात याद रखना। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, एंडो मतलब अंदर, तो एंडोन्यूक्लियस अंदर से करेगा, एक्सोन्यूक्लियस एंड से करेगा, या ये सब सिंपल है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए, वंस इट फाइंड्स इट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस इट विल बाइंड टू डीएनए कट ईच ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट्स में ही काटेगा, इन दैट शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स, किसको काटेगा, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन को। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज़ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए, अब बताओ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होती है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होती है, कौन बता सकता है, रेस कार, अब इसको यहां से पढ़ो चाहे यहां से पढ़ो, रेस कार शब्द को आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, इन दोनों का मतलब सेम ही निकलेगा, तो इन्हें कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, आगे से भी सेम पीछे से भी सेम, स्पेसिफिक सीक्वेंस में वहीं से काटता है वो, जब यहाँ पे ईको आर वन का दे रखा है, ईको आर आई का दे रखा है, ये बात याद रखना, जी ए ए टी टी सी से काटेगा, जी ए ए टी टी सी, ईको आर वन कहाँ से काटेगा, जी ए ए टी टी सी यहाँ से ही काटेगा,
ये बात याद रखनी है आपको। डू यू नो पैलिंड्रोमिक कौन होते हैं? जैसे कि यहां दे रखा है उन्होंने मलयालम, जैसे मैंने बताया रेस कार, ठीक है। रेड इन बोथ डायरेक्शन पैलिंड्रोमिक डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बोथ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम, मतलब 5' से 3' या 3' से 5' से भी पढ़ा जाएगा, जी ए ए टी टी सी, जी ए ए टी टी सी, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब इतना समझ आ रहा है ना तुम्हें अच्छे से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, बिल्कुल सेंटर से नहीं काटते हैं, थोड़ा अवे फ्रॉम सेंटर काटते हैं, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट्स, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड्स, बिटवीन द सेम टू बेसिस, ठीक है। मतलब जी ए ए टी टी सी और यहाँ भी जी ए ए टी टी सी, सपोज 5-3-3-5-, पैलिंड्रोम का मतलब है यहाँ 5-2-3- जाओ या 3-2-5- जाओ, सेम बोला जाएगा, ये समझ गए। लेट्स अज्यूम ए टी और सी के बीच में काट रहा है, तो यहाँ भी ये टी और सी के बीच में ही काटेगा, ये बात याद रखनी है। सेपरेट स्ट्रैंड्स लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, लेकिन सेम बेस पेयर्स के बीच में। These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary counterparts. तो यहाँ जो ये बना देगा ना, इनको कहेंगे sticky ends, ठीक है, यहाँ sticky ends बन जाएंगे। Sticky ends क्यों बनेंगे? क्योंकि hydrogen bonds होते हैं जो चिपकने में मदद करते हैं। Restriction endonuclease used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different sources or genomes. रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो दो अलग टाइप का डीएनए होगा, उनको जोड़ेंगे तभी रिकॉम्बिनेशन होगा, सेम टाइप का करेंगे तो क्या ही फायदा होगा। व्हेन कट बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स एंड दीज कैन बी जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज, ठीक है। सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड होगा, जैसे सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड है तो सेम टाइप ऑफ डीएनए लाइगेज दोनों को जोड़ पाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, फॉरेन डीएनए को पीसेस में तोड़ दिया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ डीएनए वेक्टर और फॉरेन डीएनए, दोनों को सेम काटेगा, ठीक है। अगर सेम जगह से काटना है, सेम टाइप के स्टिकी एंड बनाने ताकि उन्हें जोड़ा जा सके, तो सेम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तुम्हें यूज करना है दोनों को काटने के लिए, फिर डीएनए लाइगेज दोनों को जोड़ देगा, फिर उसे ट्रांसफॉर्मेशन ई कोलाई वगैरह सेल्स डिवाइड और आगे जाके प्रोजेनी में पहुंच जाएगा। यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट्स द वेक्टर and the source DNA with same restriction enzyme, recombinant vector molecule cannot be created. Recombination नहीं हो पाएगा अगर तुम same enzyme से दोनों को नहीं काटोगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जब तक same enzyme से तुम दोनों को नहीं काटोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, तो it is very essential कि तुम same enzyme से दोनों को काटो। Separation and isolation of DNA fragments. अब आ गए separate कैसे करना है और isolate कैसे करना है, समझ आ रहा है। कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, कट करने के बाद फ्रेगमेंट हो जाता है डीएनए, ठीक है। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, भाई ये आएगा ही आएगा, नीट में यहां से सवाल आना ही आना है, नीट में यहां से सवाल आना ही आना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कब विजिबल होते हैं, कौन कितनी दूर जाता है, किस एनोड कहाँ होता है, कैथोड कहाँ होता है, कैसे भरते हैं, आना ही आना है। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड्स एनोड, मूव टूवर्ड्स एनोड, ये बात याद रखो। तो यहां से यहां जा रहे हैं तो यहां क्या हो, यहां एनोड हुआ, कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत बार पूछते हैं वो एनोड कहां है, कैथोड कहां है, ठीक है। क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वी कैन फोर्स देम टू मूव टूवर्ड्स एनोड, ठीक है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर सकते हैं वो थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, तो एक मीडियम या फिर मैट्रिक्स के थ्रू वो मूव कर पाएंगे। नाउअडेज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला, अगारोज यूज करते हैं, तो इसलिए तुमने सुना होगा इसको बहुत सारे लोग अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलने लगते हैं, ठीक है। अगारोज क्या है, नेचुरल पॉलीमर है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स, अगारोज कहां से मिलता है, सी वीड से मिलता है। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड रिजोल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, अब क्या होता है, जो सबसे छोटा है वो सबसे दूर जाएगा, सबसे बड़ा वाला उतनी दूर नहीं जा पाएगा। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव्स, ये क्या है, ये प्रिंसिपल है ऑन विच
एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्क्स, जितना छोटा उतनी दूर जाएगा। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड, भाई ये तो इस साल भी क्वेश्चन आया था, नीट 2023 में इससे क्वेश्चन आया ना, इस साल क्वेश्चन आया यहां से कि सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज कब कर सकते हो, कब तुम देख सकते हो। तो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज एथिडियम ब्रोमाइड, ETBR, एथिडियम ब्रोमाइड से करने के बाद ही विजिबल हो पाएगा, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। एथिडियम ब्रोमाइड के बाद यूवी रेडिएशन करना है, उसके बाद ही हो पाएगा। यू कैनॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स इन विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में नहीं दिखते, तो एथिडियम ब्रोमाइड चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए, यूवी के साथ एक्सपोजर चाहिए, ठीक है। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इन एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम एगरोस जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, उनको कट आउट करते हैं, जेल से हटा देते हैं, स्टेप इज नोन एज एल्यूजन या फिर इल्यूजन, इल्यूजन वाला स्टेप जो है उससे तुम अलग कर देते हो डीएनए को। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्योरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर्स, तो बाद में इनसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जा सकता है क्लोनिंग वेक्टर से जोड़ के, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्लोनिंग वेक्टर्स के ऊपर, क्लोनिंग वेक्टर क्या है, कैसे काम करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, सब कुछ। यू नो दैट प्लास्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स, ये हमें देख लिया हमने, प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल के बाहर वो ये सब कर सकते हैं कि भाई क्रोमोसोमल डीएनए तुम्हारी बात हम नहीं सुनेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। बैक्टीरियोफेज हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, बैक्टीरियोफेज के पास क्या होता है, हाई नंबर पर सेल होता है, हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स, तो बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर बहुत हाई होता है ऑफ देयर जीनोम विद इन बैक्टीरियल सेल्स। सम प्लास्मिड्स में हैव ओनली वन और टू कॉपीज पर सेल, कुछ प्लास्मिड्स के पास सिर्फ एक से दो कॉपी ही होगी पर सेल, वेर एज अदर्स में हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल। तो अगर तुमसे पूछे कि भाई बैक्टीरियोफेज बेटर है कि प्लास्मिड बेटर है, क्या कहोगे, बैक्टीरियोफेज बेटर है क्योंकि उसका कॉपी नंबर बहुत हाई है, ठीक है। इतना हाई कॉपी नंबर प्लास्मिड्स का भी नहीं है, कुछ ही प्लास्मिड है जिनके 15 से 100 के बीच में हो सकते हैं। नंबर कैन गो इवन हायर इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लास्मिड, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज। तो अगर तुम्हें बोले तुम कैसा बैक्टीरियोफेज या कैसा प्लास्मिड या कैसा वेक्टर यूज करोगे, तो तुम्हें ऐसा यूज करना है जिसका कॉपी नंबर बहुत हाई हो, ऐसा यूज करो जिसका कॉपी नंबर बहुत हाई हो। वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, इजी लिंकिंग होती है, सिलेक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट का फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, इजीली हो पाता है, इसलिए उन्हें ऐसा यूज करते हैं, समझ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में, अब यहां पे तुम्हें दिखेगा फॉलोइंग आर फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, कौन से फीचर्स यूज होते हैं क्लोनिंग करने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल्स, तो यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अगर इसके अंदर तुमने कुछ भी पीस ऑफ डीएनए लिंक कर दिया तो उसको रेप्लिकेट करा सकते हो होस्ट सेल के अंदर। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में कॉपी नंबर हाई होना चाहिए क्योंकि यही डिटरमाइन करेगी कॉपी नंबर कैसा होगा, जितना ज्यादा कॉपी नंबर उतना ज्यादा प्रोलिफरेट कर पाएगा। इफ वन वॉन्ट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हूज ओरिजिन सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर, ये चीज हमने डिस्कस करी। अब आते हैं सेलेक्टेबल मार्कर में, भाई तुम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनको अंतर कैसे बताओगे, तो उसके लिए ये है, इन एडिशन टू ओरी वेक्टर रिक्वायर्स अ सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट, जो ट्रांसफॉर्म हो गया जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ उनको सेपरेट करने में हेल्प करता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम, एक पीस ऑफ डीएनए होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होती है सच एज एम्पीसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकोल,
टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, इन सबको यूज करते हैं। दे आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई के लिए यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स माने जाते हैं। ये नीट में पूछा जा सकता है, एसर्शन रीजन में पूछेंगे क्या ये होते हैं, एसर्शन ये है, रीजन बताओ। ठीक है, तो क्यों और क्या क्या, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। अब नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। नॉर्मल ई कोलाई के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होती ऐसी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे उनके पास होगी, तो इसलिए तुम बता पाओगे भाई ये ट्रांसफॉर्मेंट है कि नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लोनिंग साइट्स में। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स। देखो, ओरिजिन में कॉपी नंबर हाई होना चाहिए, लेकिन क्लोनिंग साइट्स का रिकॉग्निशन साइट कम होना चाहिए। जितने ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगे उतना टुकड़ों में बढ़ जाए, कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, फॉर कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स, जो अभी मैंने बोला फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। द लाइगेशन ऑफ एलियन डी एन ए इज कैरिड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में से किसी एक में वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट अ फॉरन डी एन ए बैम एच वन साइट, बैम एच वन साइट में तुम कर सकते हो ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो बैम एच वन किससे एसोसिएटेड है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन से, वैक्टर PBR322। ये जो वैक्टर है, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नीट में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप तुम नहीं करोगे। ठीक है, इस डायग्राम को तुम स्किप नहीं कर सकते, इस डायग्राम से क्वेश्चन आना ही आना है। और आगे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड। देखो, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, इन दोनों का इन्होंने खेल दिया है। पहले इन्होंने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लांटिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पिसाइक्लिन। अगर किसी का टेट्रासाइक्लिन से एसोसिएशन है तो वो एम्पिसिलिन में तो ग्रो करेगा ही ना। एम्पिसिलिन में देखो, सिंपल बात है यार, पहले ये पैरा तुम्हें समझाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, पहले पैरा तुम्हें समझाता हूँ, उसके बाद तुम्हें अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। इन्होंने क्या बोला, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड्स विल लूज, ठीक है, लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरन डी एन ए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स बाय प्लांटिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पिसिलिन मीडियम। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, जो डाला उससे ही उसका रेजिस्टेंस जो था वो चला गया, समझे? तो जहां से रेजिस्टेंस चला गया वहां पे वो ग्रो नहीं कर पाएगा, सिंपल। अब सपोज मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी है, अब मैं 100 लोगों के बीच में चले जाऊं, सबने ब्लैक टी शर्ट पहनी है, तो तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। लेकिन अगर मैं ब्लैक टी शर्ट के ऊपर एक वाइट स्ट्राइप लगा दूं ऐसे जेब्रा जैसी, तो तुम मुझे पहचान लोगे, दूर अलग दिख जाऊंगा मैं। तो यही चीज इन्होंने करी, जब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन या ऐसा कुछ करते हैं तो स्ट्राइप बन जाती है। स्ट्राइप बनने का मतलब है वो अलग ही ट्रांसफॉर्मेंट दिखने लग जाता है, या तो वो ग्रो नहीं करेगा अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है, या फिर वो ग्रो करेगा अगर तुमने वो जीन एक्टिवेट कर दी है। ओके, और आगे चलते हैं। देखो, जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन, यही वाली बात मैंने बोली थी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की। ठीक है, और आगे जब तुम चलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, कैसे रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ क्यूबरसम प्रोसीजर। ठीक है, बहुत टफ प्रोसीजर है, बहुत थका देने वाला प्रोसीजर है, बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑफ टू प्लेट्स। दो प्लेट्स को साइमल्टेनियसली प्लेट करना पड़ता है, मतलब दो प्लेट्स में लगातार तुम्हें इन दोनों को उगाना पड़ेगा, इन दोनों को कल्टीवेट करना पड़ेगा, समझे? इन दोनों को कल्टीवेट भाई दो अलग अलग प्लेट्स में एक साथ करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा थका देने वाला प्रोसेस है। देयरफॉर ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड, कोई और टाइप के सेलेक्टेबल मार्कर्स डेवलप कर दिए गए हैं विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर।
तो हमने पहले देखा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वगैरह तो काम करेगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन काम कर रही है हम समझ गए, लेकिन यार रेजिस्टेंस ऑफ जीन उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि फिर हम पहले एक स्लाइड में उगाएंगे, फिर हम दूसरे में उगाएंगे, फिर हम देखेंगे कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। इससे अच्छा सीधा कलर के हिसाब से कर लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ कलर के हिसाब से। प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस। बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम के अंदर एक ऐसा जीन हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस इंसर्ट कर देंगे। दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यहाँ भी हो रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस काम नहीं करेगा। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज इफ प्लास्मिड इन द बैक्टीरियम डज नॉट हैव इंसर्ट। अगर इंसर्ट नहीं होगा तो ब्लू कलर दिखाएगा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से कुछ असर नहीं आने वाला है, ये बात याद रखो, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूजलेस हो जाएगा। देखो नो इंसर्शन प्लस बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, इससे क्या होगा, ब्लू कलर आ जाएगा। अब इंसर्शन के बाद क्या होगा, इंसर्शन के बाद वाइट, नो कलर, ठीक है। रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंड कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट वाली कलर नहीं दिखाएगी, ये बात याद रखना, रिकॉम्बिनेंट वाली कलर नहीं दिखाएगी, दिमाग में घुसा लो। अब आते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या क्या वेक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है, तो यू मे बी सरप्राइज टू नो टू हैव लर्न रिलेशंस ऑफ ट्रांसफरेबल जीन्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब सबसे पहले बात करेंगे हम एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसेंस। अ पैथोजन ऑफ सेवरल डायकॉट प्लांट्स, डायकॉट में काम करता है, इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टी डीएनए को डालेगा, ये पीस ऑफ डीएनए है, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर। नॉर्मल प्लांट सेल्स को ट्यूमर में बदल देगा। डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। तो इनसे पैथोजन जो केमिकल्स निकाल रहा था उनकी तरफ डायरेक्ट कर देगा, ठीक है। सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। रेट्रोवायरस नॉर्मल सेल्स को कैंसर वाले सेल्स में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं, ठीक है। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजेंस इन द यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल्स ऑफ पैथोजेंस इनटू यूजफुल वेक्टर्स। नेचर में क्या करते थे, कैसे ट्रांसफॉर्म होते थे, ये चीज हमने देखी। इसकी वजह से क्या होने लगा, हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग आई कि भाई क्या होगा कैसे होगा। इसकी वजह से हम इजीली और बेटर तरीके से काम करने लग गए, समझे। तो क्योंकि हमने नोटिस किया कैसे सब कुछ चलता है तो हम अच्छे तरीके से काम करने लग गए थे। एक मिनट, ठीक है, और आगे चलते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लास्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसेंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। तो टीआई प्लास्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसेंस को क्लोनिंग वेक्टर में हमने कन्वर्ट कर दिया है, विच इज नो मोर पैथोजेनिक या डिजीज कॉजिंग अब नहीं रहा है पौधों के लिए, ठीक है। स्टिल एबल टू यूज मैकेनिजम्स टू डिलीवर जीन्स, तो स्टिल ये मैकेनिज्म को यूज कर पाता है जीन्स को डिलीवर करने के लिए जैसे पहले करता था, बस अब पैथोजेनिक नहीं रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। यही तो हमें दिक्कत थी इनसे कि ये पैथोजेनिक थे, तो अब ये पैथोजेनिक नहीं रहे तो हमारे लिए यूजफुल हो गए। रेट्रोवायरस जो कैंसर कॉजिंग थे हैव ऑल्सो बीन डिसार्म्ड एंड आर नाउ यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इन टू एनिमल सेल्स। अगेन इनको एनिमल सेल्स के लिए यूज करने लग गए हैं। सो वंस अ जीन और डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इन टू सूटेबल वैक्टर,
इट इज ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल होस्ट वेर इट मल्टीप्लाइज. सिंपल, ठीक है. और आगे चलते हैं. अब आ गए हम कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए. कॉम्पिटेंट होस्ट क्या है, कौन है? सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. ये सवाल नीट में आएगा, ये सवाल नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. डीएनए क्या है? हाइड्रोफिलिक है. डीएनए क्या है? हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग. हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, याद रखना, ठीक है. इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स. सेल मेम्ब्रेन से पास थ्रू नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड की बाय लेयर होती है, इस वजह से वो नहीं हो सकता. इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल में फर्स्ट वी मेड कॉम्पिटेंट, ठीक है. बैक्टीरियल सेल में ये डालना है तो उन्हें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, विलिंग बनाना पड़ेगा कि भाई ये डीएनए जो हम दे रहे हैं इसको ले लो, ठीक है, इसको रिजेक्ट मत करो. दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, ठीक है, Ca2+ कैल्शियम. डाइवेलेंट क्योंकि यहाँ 2+ है, तो कैल्शियम जैसे डाइवेलेंट कैटायंस को हम यूज करते हैं कॉम्पिटेंट बनाने के लिए. कॉम्पिटेंट बनाना मतलब एक सेल को ऐसा बना देना कि वो हमारा भेजा हुआ डीएनए को एक्सेप्ट कर ले. समझ गए? अब और आते हैं, आगे चलते हैं. यहां सबसे ऊपर और आगे चलो, तुम्हें दिखेगा बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट सेल वॉल. मतलब कैल्शियम 2+ डालने से या फिर कोई भी बाइवेलेंट कैटायन डालने से क्या होता है, पोर्स बनने लग जाते हैं सेल वॉल में, ठीक है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स इनटू सच सेल्स बाय इनक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक. पहले उन्हें बर्फ में रखते हैं, बिल्कुल ठंडा कर देते हैं, फिर उन्हें एकदम गर्मी देते हैं, हीट शॉक करते हैं, ठीक है. पहले तुम्हें पता चल गया बाइवेलेंट कैटायन हमने डाल दिया कैल्शियम 2+ जैसा, ठीक है. उसके बाद हम इसको बर्फ में रखेंगे, बर्फ में रखने बाद सीधा 42 डिग्री सेल्सियस में हीट शॉक देंगे, ठीक है. एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस. समझ रहा? आइस 42 डिग्री सेल्सियस, अगेन आइस. ये करने से क्या होगा, अनेबल्स बैक्टीरिया टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए. जबरदस्ती उसे बोलेंगे भाई ये डीएनए लेके दिखा ले, तो जबरदस्ती उसको पहले बर्फ में डाला, फिर उसे 42 डिग्री सेल्सियस में डाला, फिर उठा के बर्फ में पेल दिया कि भाई ले, इसे लेके दिखा तू. और आगे चलो. दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए. भाई अकेला तरीका नहीं है, ये तरीका है लेकिन ये अकेला तरीका नहीं है कि इसी से जाएगा, ठीक है. इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन. माइक्रो इंजेक्शन नाम का एक मेथड होता है. माइक्रो इंजेक्शन बहुत छोटा सा इंजेक्शन. रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस. माइक्रो इंजेक्शन और खतरनाक है, इतना लंबा कौन करे, सीधा इंजेक्शन लेके अंदर डाल देते हैं, ठीक है. सूटेबल फॉर प्लांट्स का, मतलब प्लांट्स के लिए एक और तरीका है जो मैं अब बताऊंगा. सूटेबल फॉर प्लांट्स सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है. हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स यहाँ लिखा है, बहुत छोटे पार्टिकल्स हाई वेलोसिटी से फेंक दिए जाते हैं. प्लांट्स में होता है. अब पौधों के लिए क्या है, देखो एनिमल्स के लिए तुम क्या करोगे, माइक्रो इंजेक्शन लो, बहुत छोटा इंजेक्शन, सीधा न्यूक्लियस के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए घुसेड़ दिया. पहला मेथड क्या था, देखो सुनो, स्टार्टिंग से हमें क्या करना है, सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है. कॉम्पिटेंट बनाना मतलब सेल पे जो हम डीएनए फेंक रहे हैं सेल उसे अपने अंदर विलिंगली ले ले. सेल अभी मना कर रहा है कि ना ना ना, ना मैं नहीं लूंगा बाहर का डीएनए. क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक, मतलब डीएनए को पानी से प्यार है. लेकिन सेल वॉल कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड्स की बाय लेयर्स होती है, लिपिड्स की लेयर्स होती है. इसकी वजह से वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, उन्हें नहीं पसंद पानी, तो वो कहेंगे हम डीएनए को अंदर नहीं आने देंगे. अब हम चाहते हैं जबरदस्ती डीएनए अंदर घुसाना, तो पहला तरीका क्या है, उस सेल को लो, पहले बर्फ में रख दो, फिर उसके बाद 42 डिग्री सेल्सियस अचानक से हीट शॉक दे दो, फिर दोबारा बर्फ में रख दो. इससे क्या होगा, जबरदस्ती वो सेल अंदर ले लेगा, ठीक है भाई मैंने हार मान ली, दे दो. दूसरा तरीका है माइक्रो इंजेक्शन. इसमें क्या करो, छोटा सा इंजेक्शन लो, उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए लो और सीधा न्यूक्लियस के अंदर घुसा दो कि भाई हम तुम्हारी चेचे नहीं सुनेंगे सेल महाराज, हमारे पास समय नहीं है, सीधा अंदर घुसा दिया. तीसरा मेथड प्लांट्स के लिए सूटेबल है, याद रखना सिर्फ प्लांट्स के लिए. छोटे छोटे पार्टिकल लेंगे, वो छोटे पार्टिकल जिन्हें माइक्रो पार्टिकल कहा गया है, किसके, गोल्ड या फिर टंगस्टन, यहां क्या लिखा है, गोल्ड या फिर टंगस्टन के पार्टिकल लेंगे,
उनको बहुत हाई वेलोसिटी से फेंक के मारेंगे। छोटा पार्टिकल गोल्ड टंगस्टन, उसके ऊपर उसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, अब उसको फेंक के मारेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, वो अंदर तक चला जाएगा, इसको कहते हैं बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, ठीक है। एंड द लास्ट मेथड यूज्ड इज डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन, आर्म्ड मतलब ऐसा कहते ना, इट इज ही इज एन आर्म्ड गार्ड, आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड मतलब जिसके पास कुछ हमला करने लायक हो, तो डिसआर्म्ड मतलब उसके हमला करने की क्षमता ही हम छीन ले। डिसआर्म्ड पैथोजन मतलब ऐसा पैथोजन जो हमला तो कर पाए, अंदर प्रोलिफरेट भी कर पाए, लेकिन डिजीज नहीं फैला सकता, तो वैसे भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था रेट्रोवायरस जैसा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, बहुत सारे स्टेप्स हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही तुम कर सकते हो, ऐसे कुछ भी कहीं से भी उठा के नहीं करना है, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करना, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट करना, लाइगेशन करना, चिपका देना, वेक्टर में डालना, ट्रांसफर करना, होस्ट को कल्चर करना, ये सब चीजें होती हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल डीएनए में, कि भाई डीएनए जो जेनेटिक मटीरियल है उसको आइसोलेट कैसे करोगे, ठीक है। डीएनए को अलग तो करना है ना, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे, तो आइसोलेट कैसे करोगे, तो अब तुम देखो यहां क्या करना है। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटीरियल, भाई हमें सबको पता है न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटीरियल होती है, ये तो बोलने की भी बात नहीं है। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है। इन ऑर्डर टू कट डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड टू बी इन प्योर फॉर्म, डीएनए को अगर तुम्हें काटना है तो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल प्योर फॉर्म में, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, कोई और बड़ा मॉलिक्यूल उसके साथ नहीं होना चाहिए, वो अकेला होना चाहिए डीएनए, तभी तुम उसको काट पाओगे। डीएनए एनक्लोज्ड विद इन मेम्ब्रेन्स, वी हैव टू ब्रेक सेल ओपन टू रिलीज डीएनए। डीएनए ऐसे बाहर तो पड़ा नहीं होता है, ऐसे फल लगा हुआ फल के बाहर तो नहीं होगा ना, डीएनए अंदर है, अंदर भी बिल्कुल सेल के अंदर है, बिल्कुल मैक्रोमोलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो डीएनए तक पहुंचने के लिए हमें सब कुछ तोड़ के डीएनए तक पहुंचना है, ठीक है। अब डीएनए अलोंग विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स, इन सब के साथ होता है डीएनए, ठीक है। आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स, ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल के साथ डीएनए पाया जाता है। दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल और प्लांट एनिमल टिश्यू विद एंजाइम सच एज लाइसोजाइम। बैक्टीरिया के लिए क्या यूज होगा, प्लांट्स के लिए क्या यूज होगा, फंगस या फंजाई के लिए क्या यूज होगा, ये चीज नीट में पूछी जाएगी। अगेन ट्रू या फॉल्स में पूछ सकते हैं, एसर्शन रीजन में पूछ सकते हैं, ये चीज पूछी जाएगी। बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, प्लांट सेल के लिए सेल्युलेस, क्योंकि सेलुलर सेल वॉल होती है, चिटिन की सेल वॉल या काइटिन तुम बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो, चिटिन काइटिन जो बोलना है बोलो, उसकी सेल वॉल होती है फंजस या फंगस में, तो इसलिए यहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, ठीक है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर वगैरह तुमने देखा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ेंगे आगे जाके। आरएनए कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस, आरएनए को कैसे हटाओगे, राइबोन्यूक्लियस से। प्रोटीन कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद प्रोटीएस, प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएस होता है। अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स, समझ गए। अब आ जाते हैं कटिंग ऑफ डीएनए में, अब आ जाते हैं कटिंग ऑफ डीएनए में, ठीक है। यहां तुम देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म बाय इनक्यूबेटिंग प्योरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर स्पेसिफिक एंजाइम, समझ गए, एंजाइम के साथ उसे रखना होता है। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो इसको यूज करते हैं, किसको, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम यूज करते हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, याद रखना, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड की तरफ वो मूव करते हैं, एनोड से अवे नहीं करते हैं, तो एसर्शन रीजन में ये भी वो पूछ सकते हैं। जॉइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस आफ्टर हैविंग कट द डीएनए आउट, वेक्टर डीएनए स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम अलग कर लेंगे, उसको वेक्टर के साथ जोड़ लेंगे, लाइगेट कर देंगे और आगे जाके होस्ट को प्रोलिफरेट करेंगे। अब आ जाते हैं एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट पीसीआर में, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है।
In this reaction, multiple copies of gene or DNA of interest is synthesized in vitro. In vitro बनाए जाते हैं. अब तीन step होते हैं, ठीक है, तीन step होते हैं. ये तीन स्टेप तुम्हें याद रखने हैं और ये डायग्राम तुम्हें याद रखना है. डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन. क्या क्या? डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन. ये तीन स्टेप्स हैं. ये तीन स्टेप तुम याद रखो. डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन. ठीक है. डीनेचुरेशन में क्या होगा? बहुत हॉट कर देंगे इसे, बहुत गर्म कर देंगे इसे, तोड़ देंगे. एनीलिंग में क्या होगा? यहाँ प्राइमर्स यूज होंगे और इसको अनील किया जाएगा. अनिल मतलब यहां से स्टार्ट कर दिया जाएगा. प्राइमर लगा के यहां से एक्सटेंशन करना स्टार्ट कर देंगे. एक्सटेंशन में अनिलिंग के प्राइमर्स जो थे उसमें डीएनए पॉलीमरेज ऐड होगा, जो कि टैक पॉलीमरेज हम यूज करते हैं. थर्मस एक्वाटिकस से जो पाए जाते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये जोड़ के हम इसको एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, 30 साइकिल्स कर लोगे तो 1 बिलियन से ज्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं. ये बात याद रखना. नेक्स्ट उसमें आ जाओ. अभी टाइम कम है तो थोड़ा हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. ठीक है, अब एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज वगैरह यूज होते हैं. एंजाइम एक्सटेंड्स प्राइमर्स यूजिंग न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट. प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिपीटेड मेनी टाइम्स. सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड टू 1 बिलियन टाइम्स. समझ गए. थर्मल स्टेबल पॉलीमरेज, मतलब थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, जिसे कहते हैं थर्मस एक्वाटिकस. समझ गए, थर्मस एक्वाटिकस यूज होता है. और आगे चलते हैं. एक्टिव रहेगा हाई टेम्परेचर में, ये हम समझ गए. इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल. इंसर्शन कैसे करोगे, ये चीज भी देख लो. तो इंसर्शन करने के लिए क्या है, देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल्स. रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव. कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हमने क्या किया था, डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम ट्यूब प्लस के साथ उनको रखा था. ठीक है, अब क्या होगा, इफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन ऑफ रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक जैसे एम्पिसिलिन इज ट्रांसफर्ड इन टू ई कोलाई सेल्स, होस्ट सेल्स बिकम ट्रांसफॉर्म्ड. होस्ट सेल क्या बन जाएंगे, ट्रांसफॉर्म बन जाएंगे इन टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स. तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. इफ वी स्प्रेड ट्रांसफॉर्मेंट सेल ऑन अगर प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो. क्योंकि एम्पिसिलिन से ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब वो जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, इसलिए वो एम्पिसिलिन की प्लेट में ग्रो कर सकते हैं. ये बात याद रखना. ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एम्पिसिलिन जीन की रेजिस्टेंस जो है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है उसको हम सेलेक्टेबल मार्कर बोल सकते हैं. सेलेक्टेबल मार्कर वो होता है जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कौन सा हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नहीं है. अब आ जाते हैं ऑप्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट में. ठीक है, ऑप्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू इंड्यूस एक्सप्रेशन फॉर इट, वन हैज टू कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन लार्ज स्केल. ज्यादा स्केल में भी प्रोड्यूस करना है, एक दो सेल से तो कुछ होगा नहीं. तो अब क्या करेंगे, यहां पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलॉगस होस्ट इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. किसी प्रोटीन को हेट्रोलॉगस होस्ट के अंदर कर देंगे तो उसे हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोल सकते हैं. सेल्स हार्बरिंग क्लोन जीन्स ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन टू स्मॉलर स्केल इन लैब. ठीक है, कल्चर में भी यूज टू एक्सट्रैक्ट डिजायर्ड प्रोटीन. कल्चर से डिजायर्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है एंड देन प्योरीफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स. डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक को यूज करके उसको प्योरीफाई किया जा सकता है. सेल्स कैन ऑल्सो भी मल्टीप्लाइड इन कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम्स. कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम से भी सेल्स को करा जा सकता है मल्टीप्लाई. ठीक है, वेर इन यूज मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम साइड फ्रेश मीडियम इज एडेड. अब कंटिन्यूस कल्चर मीडियम में यहां से फ्रेश मीडियम आएगा, यहां से यूज मीडियम बाहर चला जाएगा. फिजियोलॉजिकली आइडियल स्टेट या फिर एक्सपोनेंशियल लॉग फेज में रखने के लिए. ठीक है, ये बात याद रखना, हमें लॉग फेज में रखना है ताकि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके सब कुछ. लार्ज वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल अमाउंट्स. बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं कर पाते हैं ऑफ प्रोडक्ट्स. टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स. बायोरिएक्टर्स बनाने लग गई है वेयर लार्ज वॉल्यूम्स 100 से 1000 लीटर. ये भी पूछ सकते हैं नीट में कितना यूज होता है. तो 100 से 1000 लीटर होते हैं, 10-20 लीटर मत सोच लेना. कैन बी प्रोसेस्ड वॉज रिक्वायर्ड. दस बायोरिएक्टर्स कैन बी थॉट ऑफ वेसल्स
इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो बायो रिएक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल डालते हैं और प्रोडक्ट बन के निकल जाता है। बायो रिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट। ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन क्या क्या है, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, सॉल्ट हो गया, वाइटामिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। यहां तुम्हें दो डायग्राम दिख रहे हैं, दो डायग्राम्स को अच्छे से देखो। ये दो डायग्राम नीट में बहुत बार लेबलिंग के लिए भी पूछे जाते हैं। यहां से नीचे से क्या आ रही है, फर्स्ट डायग्राम में स्टेराइल एयर आ रही है, दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में तुम देखोगे बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो ये क्या है, ये स्पार्ज्ड वाला है, दूसरा वाला स्पार्ज्ड वाला है। पहले वाले की बात करें तो सिंपल स्टर्ड है, सिंपल स्टिर्ड, इसको बस घुमाया जाता है, इसको बस घुमाया जाता है, स्टिर किया जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें नीचे से हवा के बबल्स भी भेजे जाते हैं एरोबिक कंडीशन अच्छी करने के लिए। स्टिर टैंक रिएक्टर यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद कर्व्ड बेस, ठीक है, फैसिलिटेट मिक्सिंग बेटर हो सकती है। स्टिर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ठीक है। Alternatively, air can be bubbled through the reactor. If you look at figure closely, we will see that bioreactor has agitator system. Agitate करना, हिला के रखना अंदर के system को. Oxygen delivery system, oxygen supply करते रहना. Foam control system, foam बनता रहे, ज़्यादा foam ना बने, ये control करना. Temperature control system, temperature हमारा optimal range में रहे, pH optimal range में रहे. Sampling port है, कितना बना, कैसा बना, quality sample ले सके, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो ये सब वो नीट के लिए पूछ सकते हैं क्या क्या पाया जाता है, तुम्हें कन्फ्यूज नहीं होना है। याद रखना हमें लॉग फेज में रखना है, लैग फेज में नहीं रखना है, हमें किसी और फेज में नहीं रखना है। हम चाहते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो करें, लॉगरिथम के हिसाब से ग्रो करें, ठीक है। अब आ जाते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में, ये लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी। कुछ और प्रोसेसेस के थ्रू से निकालना पड़ता है, ऐसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते। प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन, सबसे पहले सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, सेपरेट करो, प्योरीफाई करो, उसके बाद कलेक्टिवली रिफर टू डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो यार नीट में तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में दो सबसे बड़े स्टेप्स क्या हैं, तो सेपरेट करना एंड प्योरीफाई करना, ये दो बड़े सबसे बड़े स्टेप्स हैं। प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सूटेबल प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव डालना ताकि खराब ना हो जाए। सच फॉर्मुलेशंस हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू जाना पड़ता है, जैसे ड्रग्स को, ठीक है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग होनी पड़ती है, सारा प्रोडक्ट एक जैसा बने, कोई डिफेक्टेड प्रोडक्ट ना बन जाए। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये वेरी कर सकती है, ठीक है। इसके साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर समाप्त हुआ।